नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आज मैं आपको घुमाने ले जा रहा हूँ उज्जैन का भगवती स्थान, जहाँ पे कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुई थी। और अभी मैं कलवाए के मुरेठ होते हुए जाऊंगा पहले रहिका, और रहिका से बेनीपट्टी, और बेनीपट्टी से जाऊंगा उज्जैन। दोस्तों, अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उज्जैन के दुर्गा मंदिर में। अंदर आते ही हमें दिखी श्रृंगार एवं चंदन की दुकान, और उसके बाद मेरी नजर गई इन प्रतिमाओं पे, जो कि ऋषि मुनियों के प्रतिमा है। और फिर मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमने, यानी मैं और विशाल, हमने पूजा करने का डाली लिया। डाली मतलब डलिया, जिसमें पूजा करने के सामान होते हैं, जैसे कि सिंदूर, टिकुली आदि, और जैसे कि फूल भी हो सकता है, माला भी हो सकता है, सब कुछ हमने पूजा के लिए लिया हुआ है। इसमें हम लोग जल लेंगे, और ये नारियल जो हम लोग भगवान को चढ़ाएंगे, और अगरबत्ती जो हम लोग जलाएंगे। सच कहो तो मुझे इस मंदिर के बारे में पहले पता नहीं थी, इसलिए मैंने उज्जैन के कुछ दोस्तों को वहाँ पे बुला लिया। देखिए, अभी हम लोग जा रहे पूजा करने के लिए, और ये जो है हमारी एक दोस्त है जो इन्हीं की है, और पहले इसमें जल भरा जाएगा। और फिर कैमरा अपने दोस्त विशाल के हाथ में थमाने के बाद हम लोग बढ़ने लगे उज्जैन में उपस्थित वहाँ पे जो तालाब थे उसके तरफ, और वहाँ से पाँव हाथ धोने के बाद हमने जल भरा और आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि आज से पहले मैं नारियल कभी नहीं फोड़ा था। मैं यही सोच रहा था कि क्या नारियल मुझसे एक बार में फूटेगी भी या नहीं। नारियल फोड़ने के बाद हम मंदिर में प्रवेश किए, और वहाँ उपस्थित बाकी भक्तों के साथ हमने भी जल चढ़ाया। इस मंदिर के प्रांगण में कई सारे अलग अलग मंदिर है अलग अलग देवताओं के। हम उन सारे मंदिरों में जाकर प्रणाम किया, पूजा करी और आ गए। आपके मन में जितनी श्रद्धा हो उतनी पूजा कीजिए। कंपलसरी नहीं है कि आप भूखे पेट आए, या फिर खाली पेट आए, या फिर खाना पीना खा कर गए। यह यहाँ का तालाब जहाँ पे लोग पांव हाथ होते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा ही बताया जाता है कि हमारे जो महान कवि कालिदास जी थे, उनको ज्ञान प्राप्ति यहीं पे हुई थी, और इनसे थोड़ी दूर पे उनका घर पड़ता है, जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे जाने का। अब हम आए हैं जल वाला लोटा वापस करने के लिए, जिससे हमने पूजा करी थी। करने के बाद आपको ये जो है ना वापस यहाँ पर रखना होता है। अगर आप लोग नहीं रखते हैं तो फिर आपको पाप लगेगा इसका। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, मतलब चोरी करके नहीं जाना है। बाकी आप ये प्रसाद रूप में आप इसको वापस ले सकते हैं, तो इसको घर भी ले जा सकते हैं। और मैं भी इस मंदिर के बारे में क्या ही ज़्यादा दिखाऊँ, इसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आप लोग खुद से आइए और देखिए। अब तो पूजा पाठ हो गई, अब चलते थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। और नाश्ता करने के लिए हम आए हैं एक बगल के दुकान में, वहीं का प्रसिद्ध नाश्ता छोला और चूरा। अब हम लोग नाश्ता करने के बाद सीधा अपने अपने घर को वापस जाने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन देनी हो या फिर कोई बदलाव करना हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, हम उसको जरूर ठीक करेंगे।